यकीन जानिए, अगर आज मैं इस महफिल में ना आ पाता और सुहेल अहमद साहब की गुफ्तगू ना सुन पाता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और मैं इतनी उनकी जो खूबसूरत बातें, शायद बहुत बड़े किसी जो है मुकर्रर से दानश्वर की जो बातें थी वो भी हमारे दिल में उतना ना घर कर पाती जितना उन्होंने किया है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आज के इस मौजू के हवाले से किबला पीर साहब ने जो तहरीक शुरू की हुई है, यकीनी तौर पर हमारे लिए इत्मीनान बख्श है कि आज भी कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पासदारी के लिए परचम थामे खड़ा है। और इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा, कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफा गया, कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरे तेरा खुदा गया, मोहब्बतों की बस में मोहब्बतों की बात कर, मोहब्बतों की बस में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर, ये बू चहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया, कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरे तेरा खुदा गया। मैं सलाम पेश करता हूं किबला पीर साहब को कि उन्होंने हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए चादर का बंदोबस्त कर रखा है। यकीन जानिए, जब इस नाम निहाज सकाफत को हम देखते हैं, टेलीविजन पे पहले देखते थे, अब बाजारों में नजर आता है, यूनिवर्सिटीज में नजर आता है, ये कल्चर हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर वही है जिसका सबक किबला पीर साहब दे रहे हैं। सुबह सादिक मुझे मतलूब है किससे मांगू, सुबह सादिक मुझे मतलूब है किससे मांगू, तुम तो भोले हो चिरागों से पहल जाओगे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और तुम हो जिंदा रवायात के अमी, और तुम हो जिंदा रवायात के अमी, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हम ये अहद करते हैं वर्ल्ड कॉलमिस क्लब के प्लेटफॉर्म से, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, मैं किबला पीर साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि आपकी इस तहरीक के लिए हम हर वक्त आपका बाजू हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर।